देखिए कितना ज़बरदस्त घर है, और यहाँ पे अपनी बेटी के साथ रहती हैं मैम। और ये देखिए इनके घर के आगे लिखा गया है आदित्य 17, तो यही है हेमा मालिनी मैम का घर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार घर है मैम का, बहुत ही ज़बरदस्त घर है देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड देखिए अभी हम हैं मुंबई के जुहू में, और आज आप लोगों को लेके चल रहे हैं बॉलीवुड की एक्ट्रेस जिसको ड्रीम गर्ल कहते हैं हेमा मालिनी जी। मैं हेमा मालिनी जी के घर चल रहे हैं, तो चलिए हमारे चैनल पे नए जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को बताया है धर्मेंद्र पाजी के घर में वो हेमा मालिनी जी उनके साथ नहीं रहती है, वो अपनी बेटी के साथ रहती है। तो चलिए उनका घर दिखाते हैं, तो हमारे चैनल पर नए जो सब्सक्राइब किया, चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ, और उनका घर के लिए आप लोग व्यू देखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए चलते हैं और सब्सक्राइब कर दो यार, अब इतना मेहनत करें, कितना मेहनत करें अब आप लोग बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग को दिखाते हैं ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मैम का घर, जो कि रोड नंबर 12 में है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं, और आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए, आप लोग को रास्ता दिखा देते हैं। जिनका जिनका घर ढूंढना है आपको, जुहू के बस स्टैंड आइए, और वहाँ से सभी का घर मिल जाएगा आपको। सनी देवल सर, बॉबी देवल, सभी का घर मिल जाएगा। तो चलिए आइए, अब देखते हैं रोड नंबर 12 कहाँ पे है। तो देखिए हम लोग आ गए हैं रोड नंबर 12, और अब बस कुछ ही दूरी पर ड्रीम गर्ल का घर है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको उनका घर आना है तो रोड नंबर 12 में आइए, और उनका घर का अब आप लोग हम दीदार करते कराते हैं। चलिए देखिए कैसा है घर, और उनके नेटवर्थ की, और अब क्या बताएं उनके ड्रीम गर्ल। और 16 फिल्म उनका देखे हैं ना, चल धन्नो, आज बसंती का सवाल, बसंती की इज्जत का सवाल है, उन्हीं का घर दिखा रहे हैं। चलिए आज आप लोग को दिखाते हैं हेमा मालिनी मैम का घर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना शानदार घर है मैम का, बहुत ही ज़बरदस्त घर है देखिए। ऊपर से देखें तो पूरा एकदम बिल्कुल समझे, बिल्कुल हरे भरे पेड़ पौधे हर किसी के घर के पास ही है। और इनके घर के आगे देखिए क्या नाम लिखा हुआ है, आदित्य। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स मैम का घर देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, देखिए कितना ज़बरदस्त घर है। और यहाँ पे अपनी बेटी के साथ रहती हैं मैम, और ये सांसद भी हैं, तो ये इनको टाइम मिलता नहीं है ज़्यादा, तो यहीं पर हेमा मालिनी मैम रहती हैं, देख लीजिए। देखिए इनके घर के आगे लिखा गया है आदित्य 17, तो यही है हेमा मालिनी मैम का घर। और अंदर से थोड़ा व्यू क्या दिखाएं, देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी भैया बैठे हुए हैं। चलिए कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मैम के बारे में थोड़ा बताते हैं, कितने कितने फिल्मों में ये काम किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हेमा मालिनी मैम का जन्म 16 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ था, और इनके पति देव का नाम धर्मेंद्र है, जिन्हें हम लोग धर्मेंद्र पाजी कहते हैं। और हेमा मालिनी के दो बच्चे हैं जिनका नाम ईसा देवल और आहान देवल हैं। और आप लोग जो जानते हैं सनी देवल, बॉबी देवल, ये सब उनके अपने बेटे नहीं है, वो स्टेप चिल्ड्रन हैं। और हेमा मालिनी पॉलिटिशियन पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। और हेमा मालिनी मैम जो है 16 मई 2014 से अब तक, ये 2023 चल रहा है, तो अब तक लोकसभा की ये सांसद पद पर स्थापित हैं। हेमा मालिनी मैम ऐसे बहुत सारी बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवी दी है, जिसमें कि सबसे पहले शोले, सीता और गीता, बागवान आप लोग देखे होंगे अमिताभ बच्चन सर के साथ, उनका कितना सुपर डुपर हिट हुआ था। और बहुत ही ये मेरे फेवरेट फिल्म है बागवान, अपने अपने बहुत ही ऐसी मूवी हैं, आसपास, वारिस, बहुत ऐसी मूवी है जिनमें हेमा मालिनी मैम ने अपना ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दिया है और पूरी मूवी को सुपर हिट कर दिया है। हेमा मालिनी मैम का नेटवर्थ लगभग 60 मिलियन है, और ये जो आप लोग घर देख रहे हैं लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का है ये। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग, देखिए आप लोग को दिखा दिए ड्रीम गर्ल का घर, तो आई होप आप लोग ब्लॉग एंजॉय किए होंगे। तो जितने भी फैंस हैं बॉलीवुड के, चाहे बॉलीवुड के भी अगर जितने भी फैंस हैं हेमा मालिनी मैम के, वो भी सब्सक्राइब मतलब इनके लिए कॉमेंट कीजिए, और जितने लोग इनके फैंस फॉलोवर है वो भी कॉमेंट कीजिए। तो चलिए आप लोग को घर दिखा, और यहाँ पे वो मतलब अपनी बेटी ईसा देवल के साथ रहती हैं, और धर्मेंद्र सर का घर थोड़ा आगे था, तो इसीलिए आप लोग को दोनों का घर दिखाते। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, अगर हमारे चैनल पर नए तो जो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमारा इंस्टाग्राम का आईडी नीचे शो हो रहा है, तो आप लोग उसे फॉलो कीजिए। और गाँववासी देख रहे हैं तो दिल सपोर्ट कीजिए, और सुल्तानगढ़ वासी देख रहे हैं खुल के सपोर्ट कीजिए, और भागलपुर वासी देख रहे हैं तो दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और